हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल एबी रॉक्स टीम्स। लीगा लीग का एक और मतलब एक मैच खेला जाएगा, आज खेला जाएगा विदाउट वीकेंड मैच, क्योंकि आज मंगलवार है भाई। पता नहीं आज इन्होंने ऐड कर दिया मैच। तो बार्सिलोना का मैच होगा मेलोर्का के साथ, और मेलोर्का के होम पे मैच है। एंड सेकेंड थिंग ये कि इस साल बार्सिलोना तो बहुत अच्छा खेल रही है, मतलब बार्सिलोना पे तो कोई कमी नहीं, इतने गोल ये कर चुके हैं जितने कि लोगों को पहुंचने में आधा सीज़न लगता है। ठीक है, ये टीम वहाँ तक है और पहले नंबर पे है। मेलोर्का ने इस बार कमाल की है, ये टीम टॉप 10 में आने वाली टीम नहीं थी, आज ये टीम टॉप 10 में छठे नंबर पे है। और अगर ये एक साथ दो तीन मैच लगातार जीत गई तो ये टीम टॉप 5 में आ जाएगी। मैं हैरान हो रहा हूँ ये चीज़ बोलता हुआ भी, कि मेलोर्का जैसी बेकार सी टीम इतना आगे पहुँची हुई है, और जो बड़ी बड़ी टीमें हैं वो भाई साहब टॉप 10 से बाहर हो रखी हैं। क्यों? क्योंकि छोटी टीमों ने जगह बना रखी है टॉप 10 में। ये बहुत नई बात है अभी लालीगा लीग के लिए। एंड ये मेरा टेलीग्राम चैनल, लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में, मैं एक टीम आपको ओपन दूंगा, ठीक है, इसी चैनल पे दूंगा, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में। हम इस वीडियो में किसी भी तरह की चीज़ को प्रोत्साहित नहीं कर रहे, बाकी हम आगे चलते हैं। और रात के बहुत सारे मैचेस हैं, बार्सिलोना का मैच बहुत अच्छा है, और क्रिस्टल पैलेस का मैच बहुत अच्छा है, और रात का जो 1:45 का मैच है ये एवरेज है, लेकिन मैं खेलूँगा। मतलब मैं टाइमिंग थोड़ी 1:45 के करीब है, रात को बहुत लेट है, बहुत कम लोग खेलेंगे, लेकिन जो भी खेलेंगे हम मतलब ज़रूर खेलेंगे, जो भी खेलना चाहे वो भी खेल सकता है। तो इस मैच की बात करें, सीधा चलते हैं स्ट्राइकिंग पे। तो स्ट्राइकिंग से पहले विनिंग चांसेस की बात करें तो बार्सिलोना के विनिंग चांसेस आर अबव 85% और 85 और इनके 15। तो फ़र्क इतना है कि बस हो सकता है मेलोर्का एक गोल ना कर दे, ये अपने ध्यान में रखना, क्योंकि टॉप सिक्स में टीम बैठी है, छठे नंबर पे है, टॉप 10 के छठे नंबर पे टीम है, और वो टीम इतनी आसानी से नहीं हारेगी। ठीक है, हार भी जाए, हो सकता है बार्सिलोना 3 या 4 गोल तक पहुंच जाए, मैं वो बात पीछे नहीं हट रहा, विनिंग चांसेस बार्सिलोना के ज़्यादा हैं, लेकिन मेलोर्का का एक आध गोल एक्सपेक्ट कर सकते हो यार आप, मतलब मेरा ये मतलब है। और स्ट्राइकिंग की बात करें तो रैफिना पिछले मैच में भी खेला था 30 नवंबर को, जहाँ पर लॉस पैलमस के अगेंस्ट भी इसने मतलब एक गोल किया था। एंड उसके बाद रॉबर्ट की बात करें, रॉबर्ट उस मैच में फ्लॉप था, बट रॉबर्ट कई बार हो जाता है फ्लॉप, मतलब रॉबर्ट इज़ एन एक्सपीरियंस प्लेयर, पहले वो अपने जो यंगस्टर्स हैं टीम के उनको मौका देते हैं, तो मेरे को ये चीज़ पता है, कोई भी हो भाई, भले रोनाल्डो मेस्सी भी हो, वो भी कई बार चांस दे देते हैं किसी छोटे प्लेयर को जिसका करियर बन रहा हो। तो मैंने वो चीज़ देखी पिछले मैच में, लेकिन आज गोल आएगा और लग रहा है ऐसा। और बात करें यहाँ पर मेलोर्का के 3 प्लेयर इन फॉर्म है, इनका वेदत मुरीकी इनका कॉमन प्लेयर है जो पेनल्टी देता है, उसके बाद लैरिन ने भी पिछले मैच में गोल किया, बट लैरिन पूरे सीज़न तो चला नहीं, तो लैरिन तो मेरी नज़र में पहले ही इलेमिनेट हो चुका है। मेरी नज़र में प्रैट्स रहेगा, क्योंकि प्रैट्स ने पिछला एक मैच खेला था जहाँ पर इनकी टीम ने 2-1 मैच जीता था वैलेंशिया के अगेंस्ट, जहाँ पर प्रैट्स ने एज अ सब्स्टिट्यूट एक गोल किया था, और प्रैट्स 1-2 गोल आराम से कर देता है, मतलब बड़ी टीमों को नहीं छोटी टीमों को। तो प्रैट्स और मुरीकी के बीच अच्छा कंपैरिजन रहेगा आपस में, बट मैं गुजार रहा हूँ अभी मुरीकी के साथ। और मिडफील्डिंग की बात करें, यमल फिट है, यमल को पिछले मैच में भेजा नहीं था, बट ये 45 मिनट सब्स्टिट्यूट आया था, और पेड्री ने उस मैच में की थी एक असिस्ट, और बट मेरे से गलती क्या हो गई, मैंने लोपेज़ पे ट्रस्ट कर दिया, ये बंदे ने भाई साहब पूरी गेम घुसवा दी मेरी, बट मैं आज नहीं करूँगा। मेरी नज़र में सिर्फ ऑलमो अच्छा है, ऑलमो, यमल एंड पेड्री, बस मैं आज पेड्री को भी इसलिए नहीं लूँगा, अगर यहाँ पर यमल खेला तो मैं पेड्री को बाहर करूँगा, बट मैं ले ही नहीं रहा, आप ये लगा लो अभी, ठीक है। उसके बाद डी रॉड्रिग्यूज़ यहाँ पर अगर बात करें तो कैन प्ले टुडे। उसके बाद नेक्स्ट प्लेयर की बात करें देन दैरदर इनका मोस्ट कॉमन प्लेयर है, जिसको बहुत लोग ट्राई करते हैं, लेकिन मेरी नज़र कॉस्टा पे है, मैं कॉस्टा के साथ जाने की सोच रहा हूँ। अभी 29 अक्टूबर को एथलेटिको के अगेंस्ट इसको एक रेड कार्ड मिला था, ठीक है, अब पता नहीं कि अब ये प्रॉब्लम, मतलब वो कार्ड तो एक्सपायर्ड हो गया होगा, क्योंकि अब तो दिसंबर चल रहा है मेरे भाई, इसलिए कॉस्टा की वापसी हो सकती है। और डिफेंडिंग की बात करें तो यहाँ पर है ज्यूल्स के बाद इनका थोड़ा सा कॉमन प्लेयर बोलूँगा आई मार्टिनेज, हालांकि मुझे इतना पसंद नहीं था पहले भी, लेकिन मजबूरी में लेना पड़ता है प्लेयर। उसके बाद पी कुबारसी एंड ए बेल्डे, अगर खेला बेल्डे ने पिछले मैच में, आई थिंक बेल्डे इंजर्ड हुआ था यार, हाँ याद आ गया, ये दिखा स्टार्टर में 26 मिनट खेल के चला गया था, तो ये तो बेल्डे तो इंजर्ड था, सॉरी याद आया मुझे अभी अचानक। तो अगर भाई तो बेल्टे की जगह पर या तो फोर्ट को भेजेंगे या मार्टिन को भेजेंगे, जिनको हमने नहीं लेना, ठीक है, आपने ना फोर्ट को लेना है ना मार्टिन को लेना है ना आपने गर्शिया को लेना है, फिर तो आप ऐसा करो आप पेड्री को ही ले लो, क्योंकि मेरे को अभी याद आया कि बेल्टे इंजर्ड है, अभी याद आया, नहीं तो मेरे को पहले पता होता तो मैं पेड्री दिलाता आपको। और बात करें यहाँ पर गोलकीपिंग की तो डी ग्रीफ और एल रोमन दोनों अच्छे हैं, बट ग्रीफ थोड़ा एक्सपीरियंसड है। बात करें कैप्टन की, कप्तान है मेरा रॉबर्ट लेवांडोव्स्की, और जो मेरा वाइस कैप्टन है वह रैफिना, तो यमल को भी रख सकते हो, बट ये दोनों बहुत ही ज़्यादा अच्छी फॉर्म में चल रहे हैं, इसलिए मैं इनके साथ जा रहा हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।